दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द प्राइम ऑफ द मिस जीन ब्रॉडी। दोस्तों इसको लिखा था म्यूरियल स्पार्क ने। इस नोवेल की डिमांड आप ही में से बहुत सारे व्यूअर्स कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि म्यूरियल स्पार्क अपने टाइम की एक बहुत बड़ी ऑथर थी। इनके वर्क्स आज भी बहुत फेमस हैं। दोस्तों इस नोवेल को 1961 में द न्यूयॉर्कर नाम की मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था। इस नोवेल को कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था पोस्ट वॉर ब्रिटिश फिक्शन का। दोस्तों ये नोवेल बहुत ही फेमस है। इसकी सेटिंग रखी गई है स्कॉटलैंड में और थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल होने वाली है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है मार्सिया ब्लेन स्कूल से। ये स्कूल है स्कॉटलैंड में, एडिनबरा नाम की जगह है वहाँ पर। दोस्तों ये 1930s का टाइम चल रहा है। इस मार्सिया ब्लेन स्कूल में एक टीचर है जिसका नाम है मिस जीन ब्रोडी। दोस्तों ये बड़ी ही खूबसूरत सी टीचर है, एक करिश्माई टीचर है इस स्कूल की। ये स्कूल में जूनियर स्टैंडर्ड की 6 लड़कियों को चुनती है, 10-10 साल की 6 लड़कियों को चुनती है, सिलेक्ट करती है, और अब ये इन 6 लड़कियों को अपने हिसाब से एजुकेट करेगी। दोस्तों इन लड़कियों के ग्रुप को कहा जाता है ब्रोडी सेट। दोस्तों ये मिस जीन अपनी स्टूडेंट्स को कुछ अनऑथराइज्ड टॉपिक्स के बारे में पढ़ाती है, यानी कि एकेडमिक्स और एजुकेशन से बाहर कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे मेकअप हो गया या खुद की लव लाइफ हो गई, मतलब पोएट्री पढ़ाती है, या फिर इटली में मुसोलिनी के अंडर जो फासिज्म है उसके बारे में पढ़ाती है। ये सारे अनऑथराइज्ड टॉपिक्स ये अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। अब ये चीज़ें इनकी एकेडमिक्स से जुड़ी हुई नहीं है इन बच्चों के, लेकिन फिर भी ये इन टॉपिक्स की बात करती है अपनी स्टूडेंट्स के साथ में। अब दोस्तों क्यों ये अपनी स्टूडेंट्स के साथ में इन टॉपिक्स पे बात करती है? क्योंकि दोस्तों मिस जीन का ये मानना है कि अच्छाई, सच्चाई और खूबसूरती, ये चीज़ें हमेशा हर चीज़ से ऊपर है। मिस जीन का ये भी मानना है कि आर्ट हमेशा साइंस के ऊपर था, ऊपर है और ऊपर ही रहेगा। अब ये 6 की 6 10-10 साल की बच्चियाँ मिस जीन के लिए बहुत स्पेशल हैं, तो ये इन 6 लड़कियों को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहती हैं। इन 6 लड़कियों के नाम है सैंडी, रोज, मैरी, जेनी, मोनिका और यूनिस। मिस जीन अपने इस सेट को अपने हिसाब से डेवलप करती है। ये अपने इस ग्रुप की लड़कियों को अच्छे से अच्छा बनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों आगे चलकर इन्हीं में से, इन्हीं 6 लड़कियों में से एक लड़की मिस जीन को धोखा देगी। ये नोवेल हमें ये बात बताती है कि आगे चलकर कोई एक लड़की इन्हीं में से मिस जीन को धोखा देगी। अब मिस जीन को ये नहीं पता कि वो लड़की कौन है। खैर ये नोवेल आगे बढ़ती है। मिस जीन के अलावा इस स्कूल में और भी टीचर्स हैं, जैसे मिस्टर टैडी लॉयड। दोस्तों मिस्टर टैडी लॉयड एक हैंडसम आदमी है, एक आर्टिस्ट हैं और एक रोमन कैथोलिक हैं। ये पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन अफसोस इनका एक हाथ नहीं है, एक हाथ इनका नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्होंने अपना हाथ गंवा दिया था। और दोस्तों इनके अलावा एक और टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर गॉर्डन लॉदर। तो ये दोनों के दोनों बंदे, मिस्टर गॉर्डन लॉदर और मिस्टर टैडी लॉयड, ये दोनों जने मिस जीन को पसंद करते हैं, लेकिन मिस जीन एक्चुअली मिस्टर टैडी को पसंद करती हैं, क्योंकि मिस जीन को मिस्टर टैडी का आर्ट लविंग नेचर बहुत पसंद है। दोस्तों मिस जीन और मिस्टर टैडी ने एक बार एक दूसरे को किस करने की भी कोशिश की थी, और ये लड़की जो है मोनिका, ये इस बात की विटनेस है। लेकिन इसके बाद मिस जीन ने इसके बारे में खुद ही सबको बता दिया कि वो मिस्टर टैडी से प्यार करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मिस्टर टैडी जो हैं वो पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके ऑलरेडी 6 बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर मिस जीन के पास यही ऑप्शन बचा कि ये मिस्टर लॉदर के पास जाएँ। मिस्टर लॉदर के पास क्या जाएँ? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मिस जीन का तो मिस्टर लॉदर के साथ कुछ टाइम तक अफेयर था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिस जीन का ये जो लड़कियों का सेट है, 6 लड़कियों का सेट है, इसमें ये जो लड़की है सैंडी, ये बहुत ही हाईली इमेजिनेटिव लड़की है। इस लड़की के दिमाग में मिस जीन की लव लाइफ एकदम बैठ गई है, इसके दिल में घर कर गई है ये बात। और दोस्तों ये अपनी टीचर की, यानी कि मिस जीन की सेक्स लाइफ को इमेजिन करती है। इसकी इमेजिनेशन देखो, ये सोचती है कि मैं एक पुलिस वुमन बन जाऊँगी और ये सेक्स लाइफ को रोकूँगी। तो दोस्तों इसका ये आइडिया होता है इसके दिमाग में, और ये पता लगाऊंगी कि मिस जीन और मिस लॉदर के बीच में क्या लव अफेयर है। अब दोस्तों ऐसे ही ये लड़कियां 12-12 साल की हो गई, 2 साल गुजर गए और ये लड़कियां सीनियर स्कूल के लिए ग्रेजुएट भी हो गई।
अब इन्होंने मिस जीन की क्लास भी छोड़ दी है और एक एक्सीलेंट साइंस टीचर मिस लॉकहार्ट इनको पढ़ाती हैं। लेकिन दोस्तों, आगे वाले स्टैंडर्ड में जाने के बावजूद इन लड़कियों ने अपने सेट का नाम वही ब्रूडी सेट रखा है। सब कुछ वैसा का वैसा ही बना हुआ है जैसा रखा गया था। अब दोस्तों, ऐसे में इस स्कूल की एक हेड मिस्ट्रेस हैं जिनका नाम है मिस मैकाय। वो मिस जीन के इस एजुकेशनल मेथड को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहती इस एजुकेशनल मेथड को। वो ये बोलती थी कि ये क्या लगा रखा है 6 स्पेशल गर्ल्स, सब बराबर हैं। तो ये मिस जीन को भी सलाह देती हैं कि आप किसी दूसरे अच्छे स्कूल के लायक हैं, वहाँ पढ़ाइए, आप इस स्कूल के लायक नहीं हैं। लेकिन मिस जीन ने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया कि यहीं पढ़ाऊंगी। दोस्तों, ये मिस मैकाय बस मिस जीन को डिसमिस करने का मौका ढूंढती रहती थी। इवन ये उन 6 लड़कियों को भी बोलती है कि तुम अपनी टीचर मिस जीन के खिलाफ उनको दोषी ठहराओ ताकि मैं उनको बाहर निकाल सकूं। और ये इस ब्रूडी सेट को भी तोड़ने की कोशिशें करती है, लेकिन इसके दोनों प्रयास नाकाम हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई पैतरा काम नहीं आता इसका, क्योंकि इनकी टीचर मिस जीन ने इनमें ऐसी वैल्यूज़ डाली थी, ऐसा प्यार डाला था कि ये अपनी टीचर के लिए बड़ी लॉयल थी। अब दोस्तों, मिस जीन और मिस्टर लॉदर का लव अफेयर चल रहा था, लेकिन मिस्टर लॉदर की दो बहनें थी मिस एलन और एलिसन। ये दोनों इसी स्कूल में सिलाई की टीचिंग करती थी और दोस्तों, ये भी मिस जीन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसको दबाने की कोशिश करती थी। लेकिन मिस जीन इन्हीं को अच्छे से हैंडल कर लेती थी, मतलब दबती नहीं थी मिस जीन इनसे, ये इनको अच्छे से हैंडल कर लेती थी। अब दोस्तों, मिस जीन की ये जो लड़कियां हैं, 6 लड़कियां, ये 13-13 साल की हो गई हैं। ये लड़कियां मिस जीन से मिलने भी आती हैं, तो मिस जीन इन लड़कियों से मिस्टर लॉयड के बारे में पूछती है, मिस्टर टैडी लॉयड जो थे, वो जिनका हाथ नहीं था, उसके बारे में पूछती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़की है रोज़, ये वहाँ पर मिस्टर लॉयड के लिए, यानी कि वो जब पोर्ट्रेट बनाते हैं, अपनी पेंटिंग बनाते हैं, तो ये उनके लिए मॉडल बनती है। तो एक दिन दोस्तों, ये सैंडी जो है, ये मिस्टर लॉयड को बड़े अजीब तरीके से देखती है। ये सैंडी मिस्टर लॉयड को बड़े अजीब तरीके से देखती है, तो मिस्टर लॉयड क्या करते हैं, इसको आकर के ऐसे ही किस कर लेते हैं। तो ये बड़ी हैरान हो जाती है कि ये इसका क्या मतलब समझे। अब दोस्तों, ऐसे ही ये लड़कियां 14 साल की भी हो गई और देखते ही देखते ये 15 साल की भी हो गई। तो ऐसे में दोस्तों, मिस जीन को लगता है कि इन सब लड़कियों में से वो सैंडी पर ट्रस्ट कर सकती हैं, वो सैंडी पर ट्रस्ट कर सकती है, उसको सब कुछ बता सकती हैं। क्योंकि मिस जीन को ऐसा लग रहा था कि उनकी ये जो स्टूडेंट है रोज़, इनका मिस्टर लॉयड के साथ में कुछ लव अफेयर चल रहा है। तो ये मिस जीन सैंडी से बोलती है कि तुम इस बात को पता करो। अब दोस्तों, इस टाइम पर एक लड़की थी जिसका नाम था जॉयस एमिली। उसकी फैमिली ने उसको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। दोस्तों, इसकी फैमिली बहुत ही रिच है, इसके बहुत ही रिच पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने इसको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। ये यहाँ पर आकर इस ब्रॉडी सेट में शामिल होना चाहती थी, लेकिन ब्रॉडी सेट का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं था। लेकिन मिस जीन ने पता नहीं क्यों इसको शामिल कर लिया, अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। अब इस ग्रुप में 7 लड़कियाँ हो गई। और दोस्तों, ये लड़की जो है जॉयस एमिली, ये मिस जीन के बहुत ज़्यादा करीब हो गई, ये दोनों आपस में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। तो मिस जीन इसके डिज़ायर को बढ़ावा देती थी। इसका डिज़ायर क्या था कि ये घर से भाग जाए और फ्रांसिस्को फ्रैंको के बैनर के नीचे एक सिविल वॉर में हिस्सा ले। तो मिस जीन उसको कैसे बढ़ावा देती थी उसके डिज़ायर को, वो फ्रैंको की तारीफ़ करती थी, वो कहती थी कि फ्रैंको तो एकदम मुसोलिनी जैसा है, मुसोलिनी की तरह है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मिस जीन के एनकरेज करने की वजह से एमिली घर से भाग गई। जिस ट्रेन में वो भागी, उस ट्रेन पर अटैक हो गया और वो बेचारी बच्ची मर गई। तो दोस्तों, जब वो मरी तो इस स्कूल में उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, मौन रखा गया एक तरह से। तो दोस्तों, एक गलत सलाह किसी की जान भी ले सकती है। तो मिस जीन को भी इस बात का अफसोस था। अब दोस्तों, ब्रॉडी सेट की ये जो 6 लड़कियां थी, ये 17-17 साल की हो गई थी, ये इनके स्कूल का फाइनल ईयर था। अब ये सब धीरे धीरे अलग हो रही थी। मैरी और जेनी तो अपने फाइनल एग्जाम दिए बिना ही यहाँ से चली गई। मैरी तो एक टाइपिस्ट बन गई और जेनी ड्रामेटिक आर्ट में चली गई। मोनिका साइंटिस्ट बन गई, जबकि यूनिस नर्स बन गई और उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली थी।
दोस्तों रोज ने भी शादी कर ली थी और दोस्तों सैंडी साइकोलॉजी की तरफ चली गई। अब दोस्तों ये सैंडी और रोज ये दोनों 18-18 साल की हो गई और ये दोनों मिस लॉयड के घर जाती थी मॉडल बनने के लिए, उनकी पेंटिंग के लिए मॉडल बनने। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, जब मिस्टर टैडी लॉयड घर पर अकेले थे, जब उनके घर पर कोई भी नहीं था, तो ये सैंडी ने मौका देख करके उनके साथ लव मेकिंग शुरू कर दी। तो अब शायद आपके दिमाग में नोवेल क्लियर हुई होगी, ये रोज़ जो थी दोस्तों इसके मन में अपने टीचर मिस्टर टैडी लॉयड के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही मिस्टर लॉयड के मन में कुछ था इस रोज़ के लिए, बल्कि इस सैंडी ने अपने टीचर मिस्टर लॉयड के साथ में लव मेकिंग शुरू कर दी। 5 हफ्तों तक दोस्तों इनका ऐसा सब कुछ चलता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद सैंडी का ही मिस्टर लॉयड से, मिस्टर टैडी लॉयड से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, बल्कि उनके रिलीजियस जो रोमन कैथोलिक प्रिंसिपल्स थे उनकी तरफ इसका इंटरेस्ट बढ़ गया। अब दोस्तों ये सैंडी क्या करती है, मिस मैकाई के पास जाती है। मिस मैकाई के पास जाकर ये मिस जीन के बारे में सब कुछ बता देती है कि मिस जीन फासिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ झुकी हुई है और वो अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती है, यानी कि जो ब्रॉडी सेट होता है, ब्रॉडी सेट में जो भी लड़कियां आती है उनके पास में, उन सबको ये वही सिखाती है फासिस्ट पॉलिटिक्स। अब दोस्तों इस बात से मिस मैकाई को तो एविडेंस मिल गया मिस जीन के खिलाफ, मिस जीन को बाहर निकालने का। दोस्तों इस बात को मैकाई ने यहाँ भी कनेक्ट किया कि वो लड़की एमिली जो थी वो भी शायद मिस जीन की वजह से ही मरी होगी। अब दोस्तों सैंडी के सब कुछ बता देने से मिस जीन को स्कूल से निकाल दिया गया। दोस्तों मिस जीन को भी बहुत बुरा लगा कि जिस पर सबसे ज़्यादा उनको भरोसा था सैंडी पर, उसी ने उनको धोखा दिया। अब दोस्तों कई सालों बाद ये सैंडी क्या है, एक मिडल एज्ड वुमन बन चुकी है, एक ऑथर भी बन चुकी है, साइकोलॉजी के ऊपर लिखती है ये, और एक नन भी बन चुकी है, और इसने अपना नाम बदलकर सेंट हेलेना कर लिया है। दोस्तों इन कुछ सालों में इसके पास कॉन्वेंट में बहुत सारे लोग मिलने आए, खास करके ब्रॉडी गर्ल। दोस्तों वो इससे बस मिस जीन के बारे में ही पूछती, तो ये कहती मिस जीन एक सिली वुमन थी। एक दिन एक जवान आदमी इसका इंटरव्यू लेने आया, उसने इससे पूछा कि आप पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा अपने स्कूल डेज में, कोई लिटरेरी, पॉलिटिकल या फिर पर्सनल इन्फ्लुएंस अपने स्कूल डेज में किसका रहा था आप पर। तो दोस्तों इसने क्या जवाब दिया, द प्राइम ऑफ मिस जीन, यानी कि इसकी ज़िंदगी के प्राइम में, इसकी ज़िंदगी के पहले पड़ाव में इस पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मिस जीन का। ये बात ये साबित करती थी कि ये लड़कियाँ कहीं भी चली जाए, दुनिया में कहीं भी चली जाएं, इन पर मिस जीन का जो इन्फ्लुएंस था वो है और रहेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसकी वजह बताऊं कि मिस जीन ने इनको उस एज में वो सब चीज़ें सिखाई थी जिस एज में बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, यानी कि उस एज में बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है वो आगे जाकर वही बनता है।